हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में भी गौशाला से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ योगी सरकार ने जिन गौशालाओं को मॉडल बनाने के लिए लाखों करोड़ों का बजट दिया, उस गौशाला में आए दिन गौवंशों की मौत हो रही है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें बुलंदशहर के दानपुर ब्लॉक के मोहम्मदपुर में स्थित गौशाला की हैं। तस्वीरें इतनी खतरनाक है कि उन्हें बिना ब्लर किए हम आपको दिखा भी नहीं सकते। गौशाला में अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है, मगर प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पशुओं के चारा पानी की पुख्ता सुविधा मिल नहीं पाती है, जबकि गौशाला की चार दीवारी छोटी होने की वजह से जंगली कुत्ते आए दिन गौवंशों को अपना शिकार बनाते हैं। अमानवीय इंतहा तो तब हो गई जब यहाँ मरने वाले गौवंशों को हटाया तक नहीं गया। इनकी नहीं बता दी हमें। क्या मामला है जो गाय मर रही है डेली? मामला ये पार्टी इनसे कही मैंने कि मैंने देखा दो तीन मरी मिली, आधी आधी खाई हुई कुत्तों की। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो बोले कि ऐसा है कि हमने लिख के दे दिया कि कुत्ते रात को आते हैं जंगली और कूद के इन गायन को खा जाते हैं। मैंने भाई रात एक बच्चा ऐंच लेके पेट में थे गाय के झुकी हुई के, और वो मर गई तड़प तड़प के कि ऐसा है भाई उसमें तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने लिख के दे दिया, जब प्रस्ताव पास होगा उसके बाद बाउंड्री होगी इसकी। हमें गाय को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, क्या प्रकरण है? देखिए अभी हमारी जानकारी में कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, आप बता रहे हो तो उसकी हम जांच करा ले रहे हैं और अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। वो बताया जा रहा है कि जिंदी गायों को भी दबाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। अभी भी स्थिति में वहाँ गाय मौजूद पड़ी हुई है, ऐसे कुत्ते और कौवे अभी भी नोच रहे हैं। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ अगर ऐसा कुछ है तो अभी दिखवा ले रहे हैं। चारे की व्यवस्था भी वहाँ बढ़िया नहीं है? चारे और दाने की व्यवस्था संबंधित कर्मचारी कर रहे हैं और अभी भी अपूर्ण है तो उसको पूरा करवाते हैं। अच्छा, वहाँ जो गाय झुककर जो तैयार हो जाती हैं उन्हें ग्राम प्रधान अपने घर ले जाकर बांध रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो कोई प्रकरण सामने आया नहीं है। हाँ, गऊ किसानों को देने के लिए उस तरह का एक आदेश हुआ है कि अगर कोई किसान पालना चाहता है तो वो ले जा सकते हैं, और इस तरह की अगर गाय वो दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। स्वयं ले जाकर अपने घर बांध रहे हैं सभी गाय को? नहीं, अगर वो पाल रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? जैसे कि ग्रामीण छोड़ने जाते हैं गौशाला में, उसमें उनसे 500 रुपये 1000 रुपये लिए जाते हैं। देखिए ये हमारे जानकारी में नहीं है, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। सर उस पर क्या कार्रवाई करोगे? अगर जानकारी मिलेगी और उसके सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। यानी जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बेमौत मरने वाले गौवंशों को यहां से हटाया तक नहीं गया। गौशाला में मरने वाले गौवंशों के बारे में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने दावा किया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी जानकारी दी जा चुकी है। वहीं दानपुर ब्लॉक के सहायक विकासखंड अधिकारी लोकचंद की ओर से दावा किया गया कि अभी तक प्रकरण संज्ञान में नहीं है। सहायक विकासखंड अधिकारी दावा करते हैं कि अब मामले में कार्रवाई की जाएगी, मगर सवाल ये उठता है कि गौवंशों की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज जस्ट